कल्वाकुंतला चंद्रशेखर राव को हम सभी केसीआर के नाम से जानते हैं। वो तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री हैं। 2018 चुनाव में शानदार प्रदर्शन के बाद केसीआर एक और चुनावी मुकाबले के लिए तैयार हैं। तेलंगाना में 30 नवंबर को चुनाव है। कांग्रेस पार्टी में अपनी राजनीति की शुरुआत करने वाले केसीआर आज तेलंगाना का चेहरा बन चुके हैं। आइए जानते हैं केसीआर के राजनीतिक सफरनामे के बारे में। राव ने अपनी राजनीति की शुरुआत यूथ कांग्रेस पार्टी के साथ की थी। इसके बाद 1983 में वो तेलुगु देशम पार्टी में शामिल हो गए। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू पर तेलंगाना के साथ भेदभाव करने का आरोप लगाते हुए साल 2001 में टीडीपी छोड़ दी। इसके बाद उन्होंने तेलंगाना राष्ट्र समिति का गठन किया। केसीआर ने अपने इस कदम से 1960 के दशक के बाद से निष्क्रिय पड़े राज्य आंदोलन को पुनर्जीवित कर दिया। बाद में उन्होंने कांग्रेस से हाथ मिला लिया, जिसने तेलंगाना को राज्य का दर्जा देने का वादा किया था, और उसके साथ गठबंधन में 2004 का लोकसभा चुनाव भी लड़ा। कांग्रेस पर तेलंगाना बनाने को लेकर गंभीर न होने का आरोप लगाने के बाद वो गठबंधन से बाहर चले गए। 2009 में उनकी पार्टी ने टीडीपी के साथ गठबंधन किया। केसीआर ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि टीडीपी तेलंगाना के निर्माण के लिए बिना शर्त समर्थन देने पर सहमत हुई थी। नवंबर 2009 में उन्होंने भारतीय संसद में तेलंगाना विधेयक पेश करने की मांग को लेकर आमरण अनशन शुरू कर दिया। 11 दिन बाद केंद्र ने तेलंगाना को अलग राज्य बनाने के लिए हाँ कह दिया। हालांकि बाद में केंद्र ने कहा कि नए राज्य के गठन से पहले और अधिक सलाह मशविरे की जरूरत है। तेलंगाना के लिए उनके दृढ़ प्रयास से उनकी पार्टी को 2014 के आंध्र विधानसभा चुनावों में शानदार सफलता मिली, और जब नए राज्य का जन्म हुआ तो उनकी पार्टी के पास 17 लोकसभा सीटों में से 11 और 119 विधानसभा सीटों में से 63 सीटें थीं। केसीआर ने 2 जून 2014 को दोपहर 12:57 पर तेलंगाना राज्य के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी और वास्तु में भरोसा रखने वाले राव ने ज्योतिषियों की सलाह पर अपने लिए ये समय तय किया था। पुजारियों ने उन्हें शपथ ग्रहण के वक्त को कुल जोड़ में 6 अंक का रखने को कहा था। आपको ये स्टोरी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं।